नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में बात, दस्तक में शुरुआत। 14 अगस्त 1947, आज ही का दिन 1947 बरस, आजादी नहीं मिली थी, आज विभाजन की रेखा खींची गई थी। जी, इंडियन इंडिपेंडेंस बिल लाया गया था, पावर ट्रांसफर किया गया था। पाकिस्तान को भी आज आजादी नहीं मिली थी, लेकिन जिन्ना के मरने के बाद उसने 15 की जगह तारीख 14 कर ली। लेकिन बहरहाल उसने जो किया सो किया। लेकिन सवाल है, कल लाल किले के प्राचीर से क्या कहा जाएगा? जो कहा जाएगा देश सुनेगा। लेकिन आज दस्तक में कुछ बातों का जिक्र कर रहे हैं, हो सकता है इस उम्मीद के साथ इन बातों का जिक्र होगा या नहीं होगा। तय करिए, क्योंकि जिक्र आज बच्चों के आश्रय हिंदुस्तान की वो झांकी है जिसमें विभाजन का दर्द भी है, उस दौर की त्रासदी भी है, मौजूदा वक्त बच्चों के लिए रहने लायक बच रहा है, छोड़ रहे हैं हम। पहली रिपोर्ट। वाकई ये तस्वीर सपना भर है, क्योंकि मौत दर मौत ही बच्चों का सच हो चला है। गोरखपुर के अस्पताल में 60 बच्चों का नरसंहार तो एक वानगी भर है, क्योंकि बच्चों के जीने के लिए हमने आपने छोड़ी कहाँ है दुनिया। हालात हैं कितने बदतर, तस्वीर कितनी खौफनाक है, आंकड़े कितने डराने वाले हैं। 7,30,000 शिशु जन्मते ही महीने भर के भीतर इस देश में मर जाते हैं। 10,50,000 बच्चे एक बरस की उम्र भी पार नहीं कर पाते, उनकी मौत हो जाती है। यानी एक तरफ इलाज की व्यवस्था नहीं तो बच्चों की मौत, और दूसरी तरफ प्रदूषण। प्रदूषण से 5 बरस तक के 2,91,288 बच्चे हर बरस औसतन मर ही जाते हैं, और अगर उम्र 14 तक ले जाइएगा तो 4,31,560 बच्चों की मौत प्रदूषण से हर बरस भारत में ही होती है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। ऐसे में गोरखपुर में ऑक्सीजन सप्लाई रुकी तो 60 बच्चों की मौत ने इंसेफ्लाइटिस को लेकर जूझते हालात पर हर किसी का ध्यान केंद्रित तो कर ही दिया। लेकिन एक दूसरा सच भी छुप गया। 2016 में ही निमोनिया डायरिया से भारत में 2,96,279 बच्चों की मौत हो गई, और ये WHO के आंकड़े कहते हैं। तो आंकड़े तले ही मौत सिमट जाती है, ध्यान बच्चों पर किसी का नहीं जाता, क्योंकि दुनिया में भूखे बच्चों की तादाद भी भारत में सबसे ज्यादा है। जी, 97 नंबर पर है भारत 118 देशों की कतार में, यानी नीचे से 21वां। तो विकास की कौन सी रेखा खींची जा रही है, और बच्चों के लिए लकीर अगर वह लक्ष्मण रेखा समान हो चली है तो फिर WHO की रिपोर्ट भी देख लीजिए। देश में 39% बच्चे कुपोषित हैं, विकास रुक चुका है। 40% बच्चों की उम्र 5 बरस पार नहीं कर पाती। 50% बच्चे स्कूल रेगुलर जा नहीं पाते। तो फिर कौन सी दुनिया बच्चों के लिए हम बना रहे हैं, या हम उनके लिए छोड़े जा रहे हैं? क्योंकि आजादी के ठीक बाद तो बच्चों ने सपने सुनहरे भविष्य के ही देखे थे। लेकिन किसे पता था जिस दौर में भारत में सबसे ज्यादा बच्चे होंगे। जी, मौजूदा वक्त में 14 बरस तक के कुल बच्चों की जनसंख्या 35,57,96,866 है, और इसी दौर में अपने मरे हुए बच्चों को गोद में उठाए माँ बाप की तस्वीर 70 बरस की आजादी की पूर्व संध्या पर हम आपको दिखाएंगे, ये हमने तो नहीं सोचा था। जिक्र सरकार की तरफ से हुआ जरूर है, लेकिन प्रधानमंत्री अभी खामोश है। इंतजार करें, लाल किले के प्राचीर से इंतजार करेंगे। लिखना तो यही चाहिए था कि आओ बच्चों, तुम्हें दिखाएं झांके हिंदुस्तान की। लेकिन जो इंसेफ्लाइटिस बीमारी है, दरअसल वो बच्चों को ही लील रहा है, तो बड़ों को ये झांकी देखनी और समझनी दोनों चाहिए। सीरीज में खून भर के निकाल लिए, फिर इलाज नहीं किया, फिर बच्चा हमारा मर गया, फिर घर पे लेके चले आए। 100-150 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए कमाने वाले आदमी खिलाए, ये बीमारी देख रहे, तो हमको सरकार सुविधा दे। जाते हैं हम लोग दवाई कराने के लिए तो बोलेंगे, लिख देंगे कि जाओ बाहर से इलाज करवाओ। तो इलाज नहीं है, जब तक जाते जाते हैं तब तक गोदे में बच्चा मर जाता है। तो बीते 40 बरस में 10,000 से बच्चे सिर्फ गोरखपुर और आसपास के इलाके में इंसेफ्लाइटिस का शिकार होकर मर चुके हैं। लेकिन रीजनल रिसर्च सेंटर बनाने का ऐलान हुआ अब है,
जब बच्चों की मौत की गूंज देश को रुला रही है। 1978 से ही पन्नों को पलटना होगा, क्योंकि हर बरस उसके बाद ये रोग बढ़ता चला गया, लेकिन सरकार के कानों में कभी जू नहीं रेंगी। हाल यह है कि 2004-05 में कुछ ऐसे मरीज बीआरडी अस्पताल में आए जिनमें जेई जीवाणु थे ही नहीं, और उस जीवाणु की जांच में ही 3-4 बरस लग गए। बाद में ग्वालियर पुणे की लैब में पता चला रोगियों में इंट्रोवायरल है, जिसका नाम अब बदलकर पार इको वायरस किया गया है। इस शोध को ICMR के लोग मानने को तैयार नहीं, तो मसला 2005 से खिसटते खिसटते 2013 तक यूं ही चलता रहा। यानी एक रोग जो लगातार जाने ले रहा था, उससे निपटने की बद इंतजामी बरसों बरस से जारी है, जो अब सतह पर तो आई है लेकिन मौत रुकेगी कहना मुश्किल है। क्योंकि बदहाल हेल्थ केयर सिस्टम ने इंसेफ्लाइटिस को महामारी बना दिया, और इसी हेल्थ केयर सिस्टम के आईने में ये तस्वीर भी अब हमें चौंकाती नहीं है। कहीं एम्बुलेंस की कमी में मरते लोग, कहीं शव को कंधे पर ढोता बाप। दरअसल ऐसी तस्वीर तो रोज का हिस्सा बन चुकी है, और सच यह है कि हेल्थ केयर कभी किसी सरकार की प्राथमिकता में रहा ही नहीं, और शायद वजह भी यही 27% मौत के पीछे इलाज न मिलना होता है। यानी देश में एक तरफ सरकारी हेल्थ सिस्टम खुद ही ICU में है, दूसरी तरफ मेडिकल बीमा पर प्राइवेट इलाज करा पाने की स्थिति में सिर्फ पैसे वाले हैं, क्योंकि 86% ग्रामीण और 82% शहरी आबादी के पास मेडिकल बीमा नहीं है, तो इलाज उनका होगा कहाँ। और देश में सरकारी इलाज की सुविधा का आलम यह है कि 1700 मरीज पर एक डॉक्टर है, 61,011 लोगों पर एक अस्पताल है, 1,833 मरीजों पर एक बेड उपलब्ध है। यानी अस्पताल, डॉक्टर, दवाई, बेड, जोड़ दीजिए ऑक्सीजन भी, सभी के हालात बद से बदतर या सीधे कहें तो त्रासदायक हैं। और ऐसे में सरकार हेल्थ पर खर्च क्यों नहीं करती? क्योंकि दुनिया की दृष्टि से देखें तो भारत सबसे कम हेल्थ पर खर्च करने वाला देश है। GDP का महज 1.4% हेल्थ पर खर्च होता है, अमेरिका में ये 8.3% है, और शायद इसीलिए दुनिया में 188 देशों की रैंकिंग में भारत का नंबर 143वां है। और देश का आखिरी सच यह है कि 30 करोड़ लोग चाहकर भी जेब से पैसे निकालकर दवाई खरीद नहीं सकते। जी, आर्थिक स्थिति यह है। हमें लगता है जिक्र हेल्थ सेंटर का इस देश में जो सरकारी हाल है, उसका जिक्र लाल किले के प्राचीर से हो सकता है। बच्चों का जिक्र, हेल्थ सेंटर का जिक्र इसलिए क्योंकि हम प्राइमरी सेंटर आपको दिखाते हैं। इन तस्वीरों को देखिए, किस बदहाली के बीच सरकारी हेल्थ सेंटर है। कहीं पे सांप मिल रहा है, कहीं पे जानवर मौजूद हैं, चाहे वो गधा हो या कुत्ता हो, डॉक्टर ही लापता है। इंतजार हर कोई कर रहा है डॉक्टर आ जाए। ये है सरकारी अस्पतालों का अलग कमोवेश ये स्थिति पूरे यूपी भर में मिल जाएगी, क्योंकि ये यूपी के अस्पताल हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ यूपी भर, हो सकता है और जगह भी हो। और अंदर जब हम देख रहे थे, शूट कर रहे थे, तो अंदर हमें कोबरा सांप नजर आया। यानी ये पहले बीमार है और बीमारी के साथ साथ अंदर सांप। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि देश की राजधानी से जुड़े हुए गाजियाबाद के एक गांव में जो हाल है, जो स्वास्थ्य जो प्रणाली, उसका हाल क्या है। कैमरामैन सत्येंद्र भाटी के साथ गाजियाबाद आज तक। हमारे अलग अलग रिपोर्टर अलग अलग सरकारी अस्पतालों में गए, हम दिखाना शुरू करें तो दिन बीत जाएगा। ये हाल है और इतने बड़ी तादाद में अस्पताल भी हैं। जिक्र होगा, यकीनन होना तो चाहिए लाल किले के प्राचीर से, ना हो तो दोनों को मिला दीजिए और उसके बाद बच्चों की हालत देख लीजिए। नहीं है जो बच्चे मर गए या जो मार दिए गए वो आजादी के दिन ये गीत नहीं गाते। में अस्पताल में भर्ती हैं, क्या वाकई अगले बरस जीवित बच जाएंगे? ये सवाल क्यों? ये सवाल इसलिए क्योंकि बच्चों के लिए देश कितना रहने लायक है या कितना रहने लायक हम छोड़ रहे हैं। बच्चे यहाँ चैन की सांस भी ले सके, जरा सच भी परख लीजिए। देश में गंदा पानी पीकर डायरिया होने से हर बरस करीब 15 लाख बच्चों की मौत हो जाती है। स्वास्थ्य सुविधाओं की खस्ता हाल के चलते 6 साल तक के 2,30,00,000 बच्चे कुपोषण और कम वजन के शिकार हैं। आलम यह है कि हर बरस 10 लाख से ज्यादा बच्चों की मौत कुपोषण से हो जाती है। भारत में हर बरस 10 लाख से ज्यादा मौत वायु प्रदूषण के चलते भी होती है,
जिसमें आधे से ज्यादा बच्चे ही होते हैं। और 12 लाख से ज्यादा बच्चे हर बरस ऐसी बीमारियों से मारे जाते हैं जिसका इलाज संभव है, क्योंकि देश में 5 से 18 बरस तक की उम्र के 3 करोड़ 30 लाख बच्चे बाल मजदूरी अब भी करते हैं। देश में 10 करोड़ से ज्यादा बच्चों को अब तक स्कूल जाना नसीब नहीं हुआ है, और जिन बच्चों के लिए स्कूल जाना मुमकिन है वो पढ़ाई का दबाव सह नहीं पाते। आलम यह कि हर बरस 25,000 से ज्यादा बच्चे पढ़ाई के दबाव में खुदकुशी कर लेते हैं, और देश में हर 8वें मिनट एक बच्चे का अपहरण भी हो जाता है। तो क्या भारत में बचपन खतरे में है और ध्यान देने वाला कोई नहीं? इन बच्चों को मरने नहीं दिया जाए। ये दिमागी बुखार जिसने हमारे बच्चों की जिंदगी बर्बाद की, यहां इसलिए अस्पताल चाहिए कि यहां जिस प्रकार की बीमारियां है अध्ययन उस प्रकार का होना चाहिए। कह सकते हैं दावे कुछ भी हो, लेकिन इन सब के बीच सेव द चिल्ड्रन की रिपोर्ट कहती है कि भारत में बचपन खासा खतरे में है। हेल्थ, शिक्षा, मजदूरी, शादी, जन्म, हिंसा 8 पैमाने हैं, और सेव द चिल्ड्रन की लिस्ट में भारत म्यांमार, भूटान, श्रीलंका और मालदीव से भी पीछे 116वें स्थान पर है। हम जिक्र क्यों कर रहे हैं कि लाल किले के प्राचीर से इन बातों का जिक्र हो? जिक्र तो सांसदों के लिए खुद किया था प्रधानमंत्री ने, लाल किले के प्राचीर से ही कम से कम एक गांव तो गोद ले लें और हर बरस एक दूसरा गांव गोद लें। टारगेट बहुत बड़ा था, 2,500 गांव इस देश में कम से कम आदर्श बन जाए। चलिए दिए तले स्थिति क्या है हम आपको दिखाते हैं दिल्ली के सांसदों ने क्या किया। कुछ नहीं बना सर, हमें तो सारी दिक्कत वैसे की वैसे ही है, और भी दिक्कत हो गई है। कुछ भी नहीं हुआ है, सफाई क्या कूड़ा जगह जगह घिरा हुआ है। इसमें आज गाँव होता है, आज आप ये देखो सड़कें हैं बिल्कुल भी नहीं है। इसमें अगर हम जो एमसीडी के अफसर होते हैं उनसे बोलते हैं वो पैसे मांगते हैं उनसे करने काम करने के लिए। ये खम्भे दिखा दिए आपको, टूटे हुए बंधे हुए हैं, वहाँ पे झोड़ दिखा दिया है, गंदगी है, तो आदर्श गाँव बन कैसे गया है? न इधर स्कूल, न इधर हॉस्पिटल, न बच्चे के लिए बस क्या करें, मतलब बच्चे इनको कोई हिलो नहीं है, बिधूड़ी आवे पर चलो जाता। और खूब डोल लिए बिधूड़ी जी के, धोरे डोल लिए करतार के, धोरे डोल लिए काउंसलर के, धोरे डोल लिए सबके धोरे डोल लिए, लेकिन हमारे खम्भों में इनमें वो नहीं खींची है लाइन में। लेकिन गाड़ी खड़ने की जगह मिलती है नहीं, गंदगी मिलती, कोई बाथरूम चालू नहीं है, पीछे ये है जानवरों को पीने का पानी, इसकी भी कोई वो नहीं है। पे आप जानवर इस पानी को पिएंगे इतनी गंदगी क्या रहेंगे उसमें? वो होता होता तो बताओ, काम एक भी नहीं हुआ गाँव में, कोई काम नहीं हुआ है। सारी समस्या है ना, यहाँ कोई भी डिस्पेंसरी नाले भरे पड़े, कुछ सफाई नहीं हो रही बिल्कुल भी, गंदगी है ये, और क्या है, डेंगू नहीं होगा तो और क्या होएगा। यहाँ तब भी पानी भरा रहा, अब हमने अपने पैसों से इस गली का फर्ज करवाया है। मैं ही तो यहाँ वो जो सियासत चल रही है तो आदर्श कहाँ रह गया? तो दिल्ली के 5 सांसदों के गोद लिए आदर्श गाँव का हाल है क्या, ये आपने देख लिया, सुन भी लिया। और एक सांसद हर्षवर्धन है, इन्होंने पहले चरण में कोई गाँव गोद लिया ही नहीं। तो मीनाक्षी लेखी 7वीं सांसद है जिनके गांव पिलंजी में आज हमारे संवाददाता पहुंच नहीं पाए, पानी जमा था। तो लाल किले के प्राचीर से गांव गोद लेने का ऐलान अगर दिल्ली में ही दम तोड़ता नजर आता है, गांव बदहाल नजर आते हैं, और दूसरे चरण में 2 तो तीसरे चरण में दिल्ली के ही 7 में से 1 भी सांसद ने गाँव गोद ना लिया हो, तो फिर देश में गोद लिए गाँव का हाल होगा क्या? देश का हाल देख लीजिए, पहले चरण में लोकसभा के 543 सांसदों में उत्साह था तो 500 सांसदों ने गांव गोद ले लिए, दूसरे चरण में कुछ थक गए तो 289 सांसदों ने ही गांव गोद लिए, और तीसरे चरण में तो मामला स्वाहा हो गया, महज 11 सांसदों ने गांव गोद लिए। अपने इलाके में एक गांव को यानी जिस आदर्श ग्राम योजना के जरिए प्रधानमंत्री 2,500 गांव को आदर्श बनाना चाहते थे, वो योजना तीसरे बरस ही लगभग फ्लॉप हो गई। इस गांव को कैसे आदर्श गांव कह सकते हैं, क्योंकि यहां पर न तो अच्छी सड़कें हैं, न ही खंभों पर स्ट्रीट लाइट्स लगे हैं, और गंदगी का तो हाल यहां पर आप देख ही रहे हैं। तो इंतजार कीजिए, क्या कल लाल किले के प्राचीर से फिर गाँव किसान की बात होगी? अगर होगी
तो गोद लेने वाले सांसद याद आएंगे और गोद लिए गांव की बदहाली हमें फिर दिखानी बतानी ही होगी। शुभम की यह रिपोर्ट थी और इंतजार किया जाए कल लाल किले के प्राचीर से क्या कहा जाता है और फिर इस गीत को सुन लिया जाए।